लो दोस्तों, आज हम आपको अपने चैनल के थ्रू सैर करवाएंगे दुनिया की उन हैरत अंगेज कदीम और जदीद बिल्डिंग्स की जो कि कुदरत का एक नमूना है और इंसान की अकल दंग रह जाती है कि कदीम लोगों ने उसको किस तरीके से बनाया। आज के दौर में भी इतनी मुश्किल बिल्डिंग्स बनाना एक इंतहाई मुश्किल काम है। आर्किटेक्चर का नमूना है, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर जाना हमारी ख्वाहिश होगी। जिन मुल्कों को लोग विजिट करते हैं सिर्फ उन बिल्डिंग्स को देखने के लिए, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज स्टोरेज में आती हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की आला मिसाल है तो कोई प्यार की आला मिसाल है, कोई अरसा दराज से गिनने वाली है लेकिन फिर भी वैसी की वैसी ही है। क्या पोर्ट्रेट है वो, और किसी लोगों के लिए इबादत का, लेकिन वहाँ पर इबादत का भी अपना ही मजा है। एक ऐसी कमाल बिल्डिंग्स हैं जो कि इंसान सोच ही नहीं सकता कि पुराने और कदीम लोगों ने किस तरह बनाई होंगी। इतनी हाइट कैसे ली होगी बगैर क्रेन्स के, इतनी मेहनत कैसे की होगी बगैर मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के। लेकिन नहीं जनाब, हमारे चैनल के थ्रू आपको देखने को मिलेंगी दुनिया की वो तमाम चीज़ें जो आप कभी सोच सकते हैं। इस्तांबुल में वाकई तुर्की की पहचान हाया सोफिया, एक ऐसी कमाल की बिल्डिंग जो कि 182 फीट के डोम के साथ है। 100 मिलियन यूरो इसकी कंस्ट्रक्शन पे खर्च हुए और एम्पेरियर जस्टिन ने इसे बनाया। इनिशियली तो ये चर्च थी, दो दफ़ा इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया। 532 हिजरी में ये बनाई गई थी और आज इतने हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी अपनी कंस्ट्रक्शन का एक नमूना है, वर्ल्ड के फेमस तरीन बिल्डिंग्स में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी इंक्लूड है। ये कई दफ़ा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एक दफ़ा तो अर्थक्वेक 583 सेंचुरी में आया और ये डिस्ट्रॉय हो गई। फिर 1453 में सुल्तान महमूद ने इसे बनाया और एक दफ़ा फिर 1953 में महमूद तुर्की ने इसे अगेन कंस्ट्रक्ट किया। आज ये दुनिया की बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तुर्की की तो सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस है। 2019 में इसे 10 मिलियन लोगों ने विजिट किया। ऐसे बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जो कि प्यार की निशानी है। जी हाँ, आप डेफिनेटली फौरन ही पहुंचे होंगे आगरा इंडिया में। द फेमस ताजमहल 1631 से लेकर 1653 तक ये बनाया गया था। कमाल का वाइट मार्बल यूज़ किया गया है और अरबों रुपए लगा दिए शाहजहाँ ने अपनी बेगम नूरजहाँ के लिए। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके आर्किटेक्चर थे। कमाल की बिल्डिंग उन्होंने बनाई इस्लामिक पर्शियन और इंडियन स्टाइल का कम्बिनेशन करके। हैरान कन बात तो यह है कि ये 7 वंडर्स में भी शामिल है। फ्राइडे को ऑफ होती है क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स आते हैं यहाँ पर अटेंड करने के लिए अपनी प्रेयर। और 22,000 मजदूरों और 1,000 एलिफेंट्स ने इसको बनाया है। डेफिनेटली ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है और क्या हम भी यहाँ विजिट करना चाहेंगे? हमने कभी सोचा है कि हम ऐसे टावर पर चढ़ जाए जो कि गिर रहा हो? जी हाँ, इटली में पीसा एक ऐसा टावर है जहाँ पे लोग जाके तस्वीरें खिंचवाना पसंद करते हैं और इस पर चढ़ना भी पसंद करते हैं, लेकिन ये टावर एक साइड पे टिल्ट हो गया है यानी झुक गया है। 55.86 मीटर 183 फुट हाइट मार्बल स्टोन से बना हुआ ये अमेजिंग स्ट्रक्चर जो कि 4 अर्थक्वेक से बच चुका है और स्टिल अभी तक कायम और कायम है। ये मशहूर है अपने अमेजिंग स्ट्रक्चर और अपेयरेंस की वजह से। हैरत अंगेज बात तो ये थी कि ये शुरू में लीनिंग नहीं था, ना झुक रहा था, लेकिन जो ही सेकंड कंस्ट्रक्शन सेकंड फ्लोर की हुई तो साथ ही ये झुकना शुरू हो गया क्योंकि इसके नीचे जो मिट्टी थी वो नरम थी। लेकिन फुल कंस्ट्रक्शन के बाद भी ये आज की तारीख तक वैसे का वैसा कायम और कायम है और एक्सपेरिमेंटल प्लेस बन गया बहुत सारे लोगों की, और टूरिस्ट प्लेस तो है ही है। हमारे फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपनी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए यहाँ पर किए हैं। लेकिन इटली के एक डिक्टेटर मुसोलिनी, मशहूर तरीन इंसान, उन्होंने 1934 में इसको बहुत ज़्यादा कोशिश की फिक्स करने की लेकिन वो भी कामयाब ना हो सका। आज भी 7 बेल्स लगी हुई हैं इसके टॉप पे जो कि इसकी स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी को तो मेंटेन रखती ही हैं लेकिन साथ साथ एक कदीम फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। मलेशिया कुआलालंपुर, कमाल की बिल्डिंग्स, पेट्रोनस टावर, ये ट्विन टावर के भी कहलाते हैं। इन ट्विन टावर की कमाल की बात तो ये है कि 88 स्टोरी बिल्डिंग है। 1.8 बिलियन तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही लगी लेकिन एम सिंबल बड़ा प्यारा बनाते हैं और इनके दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान एक डबल डेकर स्काई ब्रिज भी है जो कि दोनों ब्रिजेस को कनेक्ट करता है।
मलेशिया की हाईएस्ट टूरिस्ट विजिटेड प्लेस है। सिर्फ 3 साल के कलील अरसे में ही ये बना दी गई थी। 1996 में ये कंप्लीट हो चुकी थी। इनक्रेडिबल बिल्डिंग 451 मीटर हाइट। स्पेन से बार्सिलोना में मौजूद है ला सगादा फैमिलिया। कमाल की आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है। हैरान कुल बात तो यह है कि इसके मास्टरमाइंड जो इसके बिल्डर भी थे और इसके आर्किटेक्चर भी थे, उनकी अनफॉर्चुनेटली बॉडी को यहीं पर ही अंडरग्राउंड लेवल पे रखा गया है एक टॉम के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या कमाल का हेरिटेज दिया और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज बना लिया अपने पास। और से ही ये मशहूर हो गई जब इसको यूनेस्को ने एक्वायर किया। बेसिकली गुडी ने इसको एक स्कूल बनाया था अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए। ये कमाल की बिल्डिंग यूरोप की टॉलेस्ट रिलीजियस बिल्डिंग है। हमें ये मालूम है कि ये बिल्डिंग अभी भी बन रही है और इसके पास ये रिकॉर्ड भी है कि ये दुनिया की ओल्डेस्ट तरीन बिल्डिंग है जो कि अभी भी बनती जा रही है और अभी भी इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कम्प्लीशन 2026 है। 2026 एंड वी एक्सपेक्ट दैट। लेकिन देखने में भी कमाल है और विजिट करने में भी कमाल है।